जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट रिजल्ट 2023 के बारे में, जो कि आपका ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट है। ये आपको कैसे चेक करना है, कहां से चेक करना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से डायरेक्ट लिंक का इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट को आसानी से चेक कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस क्लास फर्स्ट एडमिशन की जो जानकारी है वो आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आपने 17 अप्रैल 2023 तक इस फॉर्म को भरा था। एंड यहां पर गाइस आपका जो रिजल्ट आना था उसके बारे में भी आपको यहां पर जानकारी दी गई, यानी कि 17 अप्रैल को ही रिजल्ट के बारे में बोला था, बट वो लेट होकर के आज 20 अप्रैल 2023 में आया है। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आएंगे और केवीएस क्लास फर्स्ट या फिर फर्स्ट क्लास रिजल्ट 2023 लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये लिंक आ जाएगा जिसके माध्यम से आपको रिजल्ट चेक करना है। अभी गाइस यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी अच्छे से अच्छे अपडेट और सही जानकारी लेकर के आता रहूं। तो बेसिकली जैसे ही आप ये लिंक ओपन कर लेंगे तो आपको यहां से आपकी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है जहां से आपने अप्लाई किया था। जैसे कि आप यहां पर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने जब आपने फॉर्म को भरा था उस वक्त में आपने कौन से जो केंद्रीय विद्यालय उसको प्रेफरेंस दी थी, वो केंद्रीय विद्यालय आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। आपने 3 प्रेफरेंस दी होगी मैक्सिमम और मिनिमम 1। तो जैसे कि अगर आपने इसमें से किसी को प्रेफरेंस दी है तो आप यहां पर वही सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में सर्च पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद में अगर आपके सामने यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके जो स्टेट है और जो आपका स्कूल है उसका रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया है, ऐसा है कि एक एक करके रिजल्ट डाले जा रहे हैं, जो कि कुछ वक्त में सभी स्टेट के सभी जो स्कूल है केंद्रीय विद्यालय उनके रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश से, आपने आंध्र प्रदेश सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ये अनंतपुर सेलेक्ट किया और इसके बाद में सर्च के ऊपर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है। यानी कि ऐसा है कि एक साथ में नहीं डाला और थोड़ा वक्त लग रहा है, मे बी आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर या फिर 10 से 15 मिनट के अंदर जो सभी स्टेट हैं एंड जो सभी विद्यालय उनके रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने ये रिजल्ट आपको दिखाया, आप यहां पर जो पीडीएफ लिस्ट डाली गई है उनको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि कौन से स्कूल में, कौन से रीजन में किसका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एक लॉटरी रिजल्ट है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें यहां पर जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है वो सामने है, नेम क्या है वो आप यहां पर देख सकते हैं और लॉटरी नंबर, वेट लिस्ट नंबर वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली एक एक करके आप यहां पर चेक करेंगे, ये जनरल पोस्ट का है, इसके बाद ओबीसी है, अगर आप यहां पर ओबीसी चेक करना चाहते तो ओबीसी में देख सकते हैं कि किसका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा आप यहां पर जो कैटेगरी 4 लॉटरी प्री स्कैफल है, पीडीएफ है, सफल पीडीएफ है, तो मैं इसको ओपन करता हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट का यहां पर सिलेक्शन हुआ है इस रीजन के लिए। तो इस प्रकार से आप यहां पर सभी जो स्टेट है उनके रिजल्ट चेक कर पाएंगे। जैसे कि एक और मैं आपको दिखाता हूं, तेलंगाना नहीं बल्कि मैं यहां पर तमिलनाडु सेलेक्ट करता हूं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, फिर सर्च पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो तेलंगाना इसका रिजल्ट नहीं आया। फिर इसके बाद में तेलंगाना सेलेक्ट करता हूं, तेलंगाना सेलेक्ट करने के बाद में ये सेलेक्ट करता हूं, फिर सर्च पर क्लिक करता हूं तो इसका रिजल्ट भी अभी नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि अभी एक एक करके आपके रिजल्ट डाले जा रहे हैं। अगर आपका रिजल्ट अभी यहां पर नहीं आ रहा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको थोड़ी देर बाद ट्राई करना है, मे बी आपका रिजल्ट थोड़ी देर के अंदर यहां पर डाल दिया जाएगा। अभी यहां पर कुछ के ही रिजल्ट आए हैं और बाकी के जो रिजल्ट है वो भी आपके आ जाएंगे। अब गाइज मैं यहां पर आपको दिल्ली का रिजल्ट चेक करके दिखाता हूं। मैं यहां पर दिल्ली सेलेक्ट करता हूं, इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर मैं केवी एजीसीआर कॉलोनी शिफ्ट फर्स्ट इसको सेलेक्ट करता हूं, सर्च पर क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट भी यहां पर अपलोड कर दिया है। आप यहां पर जनरल पोस्ट का जो लिस्ट है वो देखेंगे, इसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है, इसमें यहां पर किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं, कैटेगरी क्या है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में यहां पर आप ओबीसी की लिस्ट देखेंगे, ओबीसी पर क्लिक करने के बाद में यहां पर उसके नाम आ जाएंगे जिनका यहां पर इस लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन हुआ है। तो बेसिकली यहां पर आप इस तरह से आपका रिजल्ट चेक कर पाएंगे। ये जो रिजल्ट है ये आपका केवी एजीसीआर कॉलोनी शिफ्ट फर्स्ट का है, इसमें आरटीए लॉटरी रिजल्ट आपके सामने है, इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसकी जानकारी आप यहां पर इसके अंदर देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप यहां पर ये लॉटरी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि मेरा ये स्टेट है और ये विद्यालय है बट मेरे अभी रिजल्ट नहीं आया, तो उससे मुझे जैसे उसके बारे में पता चलेगा कि आपका रिजल्ट आ चुका है तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। आपको
कमेंट के माध्यम से ये बताना है कि आपका कौन सा स्टेट है और कौन सा विद्यालय है, ताकि मैं आपको पर्सनली कमेंट का रिप्लाई करके बता सकूं कि हाँ आपका रिजल्ट भी अभी आ चुका है। ये मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में जिनका रिजल्ट अभी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो गाइज आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी और जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, एंड आशा करता हूँ कि जो आगे का जो भी राउंड है वो आप क्लियर कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।